Good morning, students. Today I will teach you about public property. There are many things in our villages or streets. They are our facilities. These are such facilities which are not owned by any individual but are used by everyone. Such properties are called public properties. अब हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के आसपास या फिर हमारे विलेजेस में, हमारे गांव में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिस जो हमारी फैसिलिटी के लिए काम आती है, हमें फैसिलिटी देती है। तो ये जो फैसिलिटीज़ है वो किसी एक की नहीं होती, किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती है, ये सबके लिए होती है। ये सारी फैसिलिटीज़ जो है, ये सारे जो भी उस एरिया में या उस विलेज में उस जगह पे रह रहे हैं तो वो उसे सब लोग यूज़ करेंगे, और ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? पब्लिक प्रॉपर्टी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? जिसे हर एक इंसान यूज़ कर सकता है, वो किसी की भी अकेले इंसान की नहीं होती है। गिवन बिलो द पिक्चर ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टी विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन द विलेज। अब हमें जो गाँव में पब्लिक प्रॉपर्टी दिखाई देती है वो हमें यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है। लाइक यहाँ पर एक मॉस्क्यू है। मॉस्क्यू क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी, उसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर स्कूल है, तो वो स्कूल में भी, वो भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी किसकी होती है? गवर्नमेंट के अंडर आती है। गवर्नमेंट वो अपनी प्रॉपर्टी को वो खुद देखेगी, उसका मेंटेनेंस है, जो भी उसको ठीक करना हो तो वो सारा गवर्नमेंट देखती है। देन यहाँ पे हमें टेंपल दिखाई दे रहा है, तो टेंपल इज़ ऑल्सो अ पब्लिक प्रॉपर्टी। टेंपल में सारे सब लोग जाते हैं प्रे करने के लिए। देन वी कैन सी ओवर हियर गार्डन है, तो गार्डन को भी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, वो किसी अकेले की नहीं है। कोई आके ये नहीं बोलेगा कि ये मेरी सिर्फ प्रॉपर्टी है। गार्डन सब लोगों की सेम प्रॉपर्टी होती है, तो सब उसे यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज ट्री है। ओके, सो यहाँ पर हाउसेज है, तो हाउसेज क्या हुई? वो खुद की प्रॉपर्टी हुई। हाउसेज पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, उसको अकेला, वो किसी अकेले इंसान की होती है। देन यू कैन सी ओवर टेम्पल। टेम्पल भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। देन यहाँ पर सब लोग बैठने आते हैं, तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। ओके, सो पब्लिक प्रॉपर्टी वही है जो सब लोग यूज़ कर सकते, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन उसे यूज़ नहीं करेगा। नाउ विच आर दी पब्लिक प्रॉपर्टीज? पब्लिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती, कौन सी, किसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम किसे किसे पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जस्ट लाइक टेम्पल, मॉस्क, गार्डन, देन स्कूल, ये सारी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सराउंडिंग, तुम्हारे घर के आसपास कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। इट इज़ ट्रू। ओके, चलो, हैंड वॉशिंग डे। तो नाउ यू ऑल नो कि हम लोग एक पैंडेमिक से फाइट कर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस है। ओके, तो कोरोना वायरस में हमें क्या करना चाहिए? एवरी 20 मिनट्स के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ओके, सो 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। डर्टी हैंड्स कैन कॉज मैनी डिजीज। 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो डर्टी हैंड्स होते हैं हमारे, गंदे हाथ, हम लोग बोलते हैं ना, कभी भी गंदे हाथों से हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम गंदे हाथ से खाना खाएंगे, उसमें जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो हमारे डायरेक्टली स्टमक में चला जाएगा। तो हमें हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए, क्योंकि डर्टी हैंड से बहुत सारी डिजीज़ होती है। और अब तो हमें एवरी 20 मिनट्स के बाद अपने हैंड वॉश करने हैं, ताकि कोरोना वायरस हमसे दूर रहे। नाउ हैव अ लुक ओवर दिस पिक्चर। यहाँ पर तुम देखोगे, ये एक लेडी है। ये लेडी क्या कर रही है? इसने देखा यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, तो ये इसे उठा के उसे डस्टबिन में फेंक रही है। इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी कि ये जो लेडी है, ये सारा कचरा नीचे फेंक रही है। और जो भी कचरा अगर नीचे हम कहीं पे भी फेंकते हैं, उसे डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा? हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। वॉट इज़ गुड इन बोथ द पिक्चर्स? दोनों पिक्चर में क्या अच्छा है? इस लेडी ने क्या किया?
यहाँ से कचरा उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। इसमें व्हाट इज़ रॉन्ग इन बोथ द पिक्चर्स, इसमें क्या गलत है? तो ये लेडी ने यहाँ पर कचरा फेंका, उसके वजह से कोई भी बीमार हो सकता है। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस, आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? व्हाट इज़ द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश, तुम्हारे घर में कचरा, हम लोग हमारे घर में डस्टबिन में कचरा डालते हैं, फिर उसको डिस्पोज करने के लिए क्या अरेंजमेंट है? लाइक, तुम लिख सकते हो कि तुम्हारे घर में, घर के आसपास गार्बेज वैन आती है, वहाँ पर हम लोग अपना कचरा वो डिस्पोज कर सकते हैं वो गाड़ी में। वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, तुम अपने घर का गंदा पानी कहाँ पर रिलीज करते हो? डायरेक्ट टू दी ड्रेनेज, हम ड्रेनेज या गटर में हमारे घर का गंदा पानी रिलीज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को लिखने हैं। नाउ हैव अ लुक ओवर द सेकेंड पिक्चर, प्लांट्स ऑफ अमित एंड राहुल। यहाँ पर अमित और राहुल दोनों खेल रहे हैं, खेलते खेलते राहुल है वो प्लांट के ऊपर गिर गया और उसके गिरने के वजह से ये प्लांट पूरा नीचे झुक गया, और ये अगर इसे केयर नहीं मिलेगी ये झुके हुए प्लांट को तो वो ख़राब हो जाएगा, यानी फिर वो ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, उसे वापस खड़ा किया, उसको पानी दिया, उसकी केयर की, तो हम तो वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में हमने क्या देखा, खेलने के वजह से राहुल है वो प्लांट के ऊपर गिर गया, ये हमें लिखना है। व्हाट इज़ अमित डूइंग, अमित क्या कर रहा है? अमित राहुल को खड़ा कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, वो गिर गया इसलिए उसे उठाने में वो हेल्प कर रहा है। व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैज़ बीन अपरूटेड, राहुल ने क्या किया जब वो प्लांट अपरूट हो गया, यानी वो निकल गया वहाँ से सॉइल से, तो उन्होंने वो प्लांट को वापस खड़ा किया, उसकी केयर की। व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू, राहुल को क्या करना चाहिए, राहुल की वजह से ये प्लांट टूटा है तो राहुल को उसको प्रॉपर केयर देनी चाहिए ताकि वो प्लांट अच्छे से खड़ा हो जाए। व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर द गार्डन, तुम्हारे घर पे भी गार्डन होंगे या फिर कुछ प्लांट्स होंगे तो तुम उसको किस तरह से उसकी देखभाल करते हो? प्रॉपरली टाइम में हम उसे पानी देते हैं, देन उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, उसकी केयर करेंगे, ज़्यादा धूप आएगी तो उसे हम लोग कवर करेंगे, तो इस तरह की हमें क्या क्या केयर करते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं जो भी तुम्हें एक्सप्लेन किया गया है तो तुम वो क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे।